British rule at India ended last night. घर में शौचालय तो था नहीं, इमरजेंसी हो जाती तो भी दौड़ के जाना पड़ता था ऐसे। Choose Miss India along with the title Miss World. सोच के लिए घर के पीछे गई थी, पीछे सांप आया, बस हाथ में नस दिया, एक्सपायर हो गई। Chale breaks records in Indian box office. टॉयलेट बनाने के लिए खर्चा करती कि हमारे पेट के लिए खर्चा कर। India also entered the space age with her satellite Rohini. सर्च करने गई थी बारी तरफ, वो 10-12 अठे हाथी आया था, देखकर भागी तो दर्द दे रहा था 10 दिन तक। India paves way for globalization. मैं प्रेग्नेंट थी तो सोच के लिए नहीं जाने के कारण मेरे बच्चे का ना शरीर बहुत पतला हो गया था और उसका सर लंबा हो गया था। 2014 का भारत, 130 करोड़ से ऊपर की आबादी, 6 लाख से ऊपर गांव, 4000 से ऊपर शहर और 28 राज्यों का एक विशाल परिवार, जहां 70% भारतीयों के हाथों में मोबाइल फोन जरूर था, लेकिन इस विशाल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 55 करोड़ नागरिक, टॉयलेट्स ना होने के कारण खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी ये भीषण समस्या भारत के लिए न तो रातों रात खड़ी हुई थी, न ही इसका समाधान रातों रात संभव था। इसके लिए अब जरूरत थी राजनैतिक नेतृत्व की, सामाजिक संकल्प शक्ति की और एक शुरुआत की। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते? क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? सिर्फ नजर की नहीं, नजरिए की भी बात कि 130 करोड़ से अधिक की जनसंख्या हमारी ताकत जरूर है, लेकिन अगर ताकत को दिशा ना मिले तो यही ताकत कमजोरी भी बन सकती है। भारत में हर साल लगभग 6.2 करोड़ टन कचरा पैदा होता है और इतने सारे कचरे का प्रबंधन आसान तो बिल्कुल नहीं था। नतीजा, ये कचरा नजर आने लगा सड़कों के किनारे, पार्क में, मैदानों में और देखते ही देखते साल दर साल इकट्ठा होकर खड़े हो गए कचरे के पहाड़। कहा जाता था इंडिया में डिजीज बर्डन इज वेरी हाई, क्यों था? वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज द फोकस ऑन सैनिटेशन, क्लीनलीनेस एटसेट्रा वाज लेस देन what was required. It was a World Bank study 2006 or 2008 which showed that the lack of sanitation in India was leading to a loss of over 6% of GDP. मैं एक सांसद होने के नाते यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिला था। ऐसा अनुमान किया गया था कि 100 करोड़ के लगभग दुनिया में ऐसे लोग हैं सभी देशों में मिलाकर जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त हैं। उसमें से 60 करोड़ से ज्यादा लोग केवल भारत में थे। और जितने लोग इस विषय में चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने बात की, वो सब भारत की तरफ इंगित करके कह रहे थे। और मेरे मन में ये भाव था कि जैसे हम अपराधियों और देश की आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, 6.5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, और अभी भी ये सामान्य जो विषय को भी हम एड्रेस नहीं कर पाए। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गाँव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए बात करी कि ये क्या बात है, देश के यू नो व्हेन यू आर एड्रेसिंग द नेशन बड़ी बातें करनी चाहिए, तो किसी ने पूछा बड़ी बात क्या होता है, जियो पोलिटिकल ये वो। मैं समझता हूँ स्वच्छता जो है, आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई बीन वर्किंग इन सैनिटेशन फॉर 20 ईयर्स। It had never been raised to the level of a prime minister. 40 minutes into his speech, you know, I really need to get back to India and join this program. तो विकसित देश को बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी नीड जो है वो यह है कि हम लोग सब लोगों को शौचालय दें। उस एक विचार ने, उस एक संकल्प ने हर किसी को ऐसे झकझोरा कि लाल किले से कही गई माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सीधे लोगों के दिल पे लगी और जन्म हुआ एक क्रांति का, एक ऐसे जन आंदोलन का जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक होने वाला था। लक्ष्य कठिन भी था और अकल्पनीय भी, क्योंकि 130 करोड़ से ऊपर की आबादी को एक साथ मिलकर इस लक्ष्य तक पहुंचना था और इस मिशन की मशाल की पहली लौ जलाने के लिए सरकार ने कमर कस ली।
प्रधानमंत्री जी का जो इस बड़ी चुनौती को हराने का जो मार्ग उन्होंने दिया, जो दर्शन उन्होंने लिया कि हम 4P के प्रिंसिपल पर काम करेंगे, तो पॉलिटिकल विल होगी, पब्लिक स्पेंडिंग होगी, सरकार इस पर खर्च करेगी, पार्टनरशिप्स होंगी और साथ साथ में जो सबसे बड़ा विषय कि इसे एक जन आंदोलन बनाएंगे। इट्स ऑल्सो क्वाइट चैलेंजिंग टू हैव अ नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ऑल द वे डाउन एट द ग्रास रूट लेवल, सो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ऑन व्हाट वी यूज्ड टू कॉल द PM, CM, DM, VM फॉर्मूला। तो प्रधानमंत्री जी से शुरू होके मुख्यमंत्री सभी राज्यों के जुड़े, जिला मजिस्ट्रेट DMs जुड़े और विलेज के जो मोटिवेटर्स हैं, विलेज के लीडर्स हैं वो जुड़े। 6 लाख के करीब पूरे भारतवर्ष में गांव हैं, इन सभी क्षेत्रों में यह संदेश पहुंचाना क्यों टॉयलेट होना चाहिए घर में और उसका प्रयोग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे समाज प्रेरित होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, सोप ओपेरा और सिनेमा के आर्टिस्ट हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अन्य ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो सभी लोग जब जाकर के एक साथ खड़े हुए तो रिजोनेट हुआ और ये एक सामाजिक आंदोलन से बढ़कर के जन आंदोलन बढ़ा। हमारे देश में अगर आप हमारी संस्कृति को देखें तो यहाँ लोकगीत या गीत जो है उनका एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन कभी नहीं रहा, मनोरंजन से हमेशा आगे थे। तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, उसी भावना से मैंने लिखा था, तो बहुत सहज रूप में हमको रिमाइंड कराता है, अपने कर्तव्य बोध कराता है एक तरह से। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ओपन डेफिकेशन की हम बात कर रहे थे तो वो तो एक जिसे कहते हैं बिहेवियरल चेंज है, धीरे धीरे होता है वो, और उसके लिए मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए सेलिब्रिटीज को आम जनसाधारण के साथ लेकर के आना और उसे एक आंदोलन का रूप देना वो बहुत आवश्यक है। हर वो तरीका जिसके जरिए सरकार आम नागरिक तक अपना संदेश पहुंचा सकती थी, फिर वो टीवी हो, फिल्म्स हो, अखबार हो, होर्डिंग्स हो या फिर पोस्टर्स हो, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तब आवश्यकता पड़ी ऐसे ऐसे साहसी लोगों की जो इस मिशन की मशाल को जन जन तक ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। स्वच्छाग्रही So they were trained for about a week. They played an absolutely critical role in working within their own communities because they were part of it and explaining why sanitation important, even showing movies in Ratri Chopals. So that was a critical role played by the Swachagrahis and in fact without them this program would not have succeeded. Hum pradhan ji ke paas jate the aur gaon ke jo zimmedar aadmi the unse batate the ki hum ye kaam karna, aadmi ko ikattha kar lijiye, hamare kehne se nahi, अनजान आदमी हमारे कहने से कोई इकट्ठा होगा नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोग ज़्यादा इकट्ठा होते थे, उनके दिमाग में यही बात होती थी कि प्रधान जी ने बुलाया है, ज़रूर कोई ना कोई योजना है और सरकार से फ़ायदा होने वाला है। उस योजना का भी पता लगा उन्हें कि 12,000 रुपये मिल रहे हैं, चलिए हम भी लेने। मैंने देखा है कि बहुत से संपन्न लोगों के यहाँ भी शौचालय नहीं थे, वो भी इस बात को गलत मानते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उनके दिमाग पे शौचालय बनाने का काम किया, उसके बाद हम लोगों ने जमीन पे शौचालय बनाने का कार्य किया। एक तरफ तो शौचालय के खर्चे के लिए हम लोग पैसे दे ही रहे थे, लेकिन हम लोग साथ साथ व्यवहार परिवर्तन में बिहेवियर चेंज के लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था दे रहे थे। बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने टिगरिंग की, जो जिस तरह का आदमी हो उसे उस तरह से समझाना प्यार से मोहब्बत से ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, ये टिगरिंग है। 6 लाख रुपए जो आदमी अपने बेटे की शादी में खर्च कर सकता है तो क्या वो 12,000 का शौचालय नहीं बना सकता? तो क्या पर ये बात सही है या गलत है? गलत है। अच्छा मैं आप सभी को एक पीला पाउडर दे रही हूँ, तो आज के लिए जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ ये पीला पाउडर आपको डाल देना है। वो डालना शुरू करते और देखते ही देखते पूरा गाँव सोच से भर जाता था, पूरा मलयुक्त हो जाता था। कैसा दिख रहा है? ये ऐसा ही रहेगा या इसके लिए आप बदलेंगे? बदलेंगे मैडम। राजस्थान का पिछड़ा इलाका जो जिला है बांसवाड़ा, वहाँ कुछ लोग रूढ़िवादी भी लोग रहते हैं। इन्होंने ब्रांचियां फैला दी कि जहाँ खाना बना के खाते हैं, जहाँ उठते बैठते हैं, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ इस तरह का गंदा काम हम नहीं करेंगे। मैंने सोचा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। पंडित घर घर पर्ची बना बना के देते थे,
जिसके घर में शौचालय बनाना उसके राशि पे मुहूर्त निकाल के उनको समय चौकड़िया वो टाइम लिख के देते कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका शौचालय का निर्माण काम चालू कराना है। खुले जगह में शौच नहीं होना चाहिए, इस्लाम में भी मना है, किसी भी धर्म ये इजाजत नहीं देता। इसलिए आप लोगों से हम ये दरखास्त करते हैं, टॉयलेट हम हर घर में बनाएंगे और व्यवहार करेंगे। हमने एक मुहिम और चलाया था, मौलवियों को अपने मुफ्तियों को जो अपने काजी है उनको बोल देंगे कि जिस घर में टॉयलेट नहीं उस घर का निकाह आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिविंग टूल्स थे, तो हमने खुद भी कुछ टूल्स बनाए हुए थे, जैसे कि जिद करो, बच्चे जिद करते थे अपने घरों पे शौचालय बनाने के लिए। वो जिद ये करेंगे जिनके घर शौचालय नहीं है कि पापा हमें शौचालय चाहिए, हम बाहर नहीं जाएंगे, खास तौर से लड़कियां। कुछ ने एक दो दिन के लिए खाना छोड़ दिया, कुछ ने स्कूल आना छोड़ दिया, स्कूल तब जाऊंगी तब आप घर में शौचालय बनाए। बबलू ने तो मल किया और उस पर जो मक्खी जाकर बैठी वो बिल्लू के घर चली गई, उसके खाने में बैठ गई। तो नत्थू का या गुड्डू का मल किसने खा लिया? बिल्लू ने खा लिया। है यास्मीन का? नसरीन ने खा लिया। तो पंडित जी ने सबसे पहले क्या की, उनके पूजा पाठ की, तो जैसे उस व्यक्ति को देखा तो दूसरे भी प्रेरित हुए, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। इसी प्रकार स्वच्छता का हमने जैसे हमने कारवा चालू किया तो हम पहले पांच निकले, दूसरे दिन दस हुए, पचास हुए, सौ हुए, इसके बाद 200 हुए, इसके बाद पूरा गांव जुड़ गया। तकरीबन दो महीने भी नहीं हुआ, एक महीने 20-25 दिन के बाद मैं उस गांव में चला गया। जिस घर में मैंने पहले बार एंट्री किया था उस घर में टॉयलेट नहीं था, तो मैंने जो टॉयलेट बनाया था उसके बजाय दूसरा टॉयलेट उन्होंने इतना बढ़िया बनाया, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। तो देखा कि 80% लोगों के घर के अंदर टॉयलेट उस वक्त बन गए थे। आंखों के पहने हैं गहने, जय स्वच्छता। तो वो स्लोगन ऐसे थे कि लोगों के दिलों पर लगते थे, सच्चे स्लोगन थे। और महिलाएं ने भागीदारी हमारे साथ निभाई, तो महिला स्वयं थाली बजाकर संदेश देती हुई गीत गाते हुए पूरे पंचायत के लोगों ने भ्रमण किया। और लोगों को शौचालय के लिए प्रेरित किया। इस मिशन में हर स्वच्छाग्रही का उतना ही बड़ा योगदान था जितना स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रही का। भारत के कोने कोने में इन्होंने बदलाव का ऐसा बिगुल बजाया कि स्वच्छ भारत मिशन बन गया एक जन आंदोलन। मेरा नाम है सुनीता देवी। पांच गांव का आज मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। सभी को जोहार। जब मैं शादी करके जब अपने ससुराल आई थी तो हमारे ससुराल में टॉयलेट नहीं था। एक दिन हम पूरे परिवार से बैठ करके इसके विषय में निर्णय किए कि हमारे लिए टॉयलेट कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक टॉयलेट हमारे घर में बना। हमारे घर की जो अगल बगल जो महिलाएं थी पूछती थी कि क्या हम तेरा शौचालय यूज कर सकते हैं। जब यूज करती थी तो उनको बहुत ही कम्फर्टेबल फील होता था, तो उनको भी समझ में आया कि हमारे लिए भी शौचालय होना चाहिए। और उस शौचालय को बनाने के लिए राजमिस्त्री की जरूरत थी, और उस समय राजमिस्त्री उसे बनाने के लिए इनकार कर दिए। तो इसी स्थिति में हम सभी महिलाएं ने सोचे कि ठीक है, ये हम महिला के लिए इम्पोर्टेंट है, तो क्यों नहीं हम इसको बना सकते हैं। हम महिला का जो उत्साह को देख करके हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने निर्णय लिए महिला को ही ट्रेनिंग दे करके उन्हें ही तैयार करें। और वहां से हम प्रशिक्षण लेकर के अपने गांव में आए, और अपने गांव में आकर के एक गुणवत्ता टॉयलेट्स का हमने निर्माण किया। तो इस प्रकार से आज हम पूरे झारखंड में आज रानी मिस्त्री उभर करके आई, और इस पे बढ़ चढ़ करके हम महिलाएं आज काम कर रही है। टॉयलेट ही नहीं, आज कहीं कहीं तो महिलाएं भवन भी बनाने का काम कर रही है। मेरा मानना है कि आज किसी भी क्षेत्र में महिला कमजोर नहीं है, पुरुषों से कम नहीं है। वो जो पुरुष नहीं कर सकते वो महिला करके दिखाई। झारखंड में लगभग 70,000 से ज्यादा कर्मठ रानी मिस्त्रियों ने बहुत सारे शौचालयों के निर्माण का ऐतिहासिक काम करके दिखा दिया। मिशन की मशाल आगे बढ़ती गई, और देखते ही देखते पूरे भारत में 6,00,000 से ज्यादा स्वच्छाग्रही इससे जुड़ते गए। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही निर्देश दिया कि हमें सिर्फ टॉयलेट बनाने नहीं हैं, हमें यह यकीनी बनाना है कि इन टॉयलेट्स का प्रयोग करते हुए सही तरीके से हम यह जो खुले में शौच की प्रथा है उसको यकीनी तौर पर बंद करें।
इसको करने के लिए हमें एक बहुत रोबस्ट किस्म की एक एफर्ट की जरूरत है. लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट राइट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर अस टू एक्चुअली अराइव एट दिस कैंपेन एंड सी दैट इनटू द पीपल. दे वांटेड समथिंग क्विक राइट सो वी सेड दैट वन ऑफ द वेज टू डू इट प्रोबेबली वुड बी टू शेम पीपल. एवरीवन हु इज डूइंग अ सर्टेन एक्ट of uncleanliness, if there were people who were shaming them, it would work. गांव-गांव पे जैसे ही ये चर्चा बढ़ी और जैसे ये बात फैली तो बहुत जगह पे निगरान समितियां बनी. निगरान समिति ये हमने गठित कर रखी थी कि शौचालय बनने के बाद भी कोई खुले में से शौच नहीं जा रहा, इसको पाबंद करने के लिए हमारी निगरानी कमेटी उसको समझाने के लिए फिर जाती है. तालियां बजाना, थाली बजाना, विशल बजाना, मतलब जो खुले सो जा रहे उसको सचेत करने का काम कर देते, तो वो आदमी वहाँ से उठ के भाग जाए. मैं सुबह 4 बजे उठकर विशल बजा बजा कर लोगों को खुले सो जा रहे थे वहाँ से उठाए. तो फिर हम जब निकले तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए. कुछ बच्चे इतने शैतान या शातिर, हम उनको कह सकते हैं कि अगर कोई खुले में शौच कर रहा है तो वो चुपके से जून की आड़ में अगर बैठा है और लोटा आगे रखा है तो वो उसका लोटा उठाकर भाग जाते थे. पंचायत के लोगों ने खुद ही निर्धारित किया कि हम खुले में शौच में जाने वाले को क्या सजा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर 500 रुपए या 1000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए. और खुले में शौच करते हुए अगर कोई देख लेता है, वो अगर आकर के निगरानी समिति को ये चीजें बता रहा है, तो उसको भी 200 रुपए का इनाम के तौर पर रखा गया. कोई हमारी बात नहीं मानता था तो हम क्या करते, माला पहना के उसके स्वागत करते, उसका फोटो लेते थे. तो वो कहता नहीं नहीं यार, फोटो मेरा डिलीट करो, आज के बाद शौचालय का उपयोग करूंगा, आज के बाद मैं खुले में शौच नहीं जा. तुलसी को पवित्र माना जाता था, तो कई पंचायतों के तालाब के किनारे भी तुलसी के पौधों का रोपण किया गया. कई विसिल वाहिनी बनी, कई महिला कमांडो बनी. तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई. बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर कि बाहर खुले पे जब जो लोग जाते थे तो उसका नाम भी लिखते थे और उनके मल पे वो झंडे गाड़ देते थे. और इन स्वच्छाग्रहियों ने इतना अच्छा काम किया, इस काम के लिए उन्हें अलग अलग स्तर पर रिकग्निशन भी मिली. और प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वच्छाग्रहियों को जब रिकग्नाइज किया तो कितनी इनकरेजमेंट उनकी हुई, ये तो हम समझ सकते हैं. ओवरऑल देयर वर अबाउट 110 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड, बट मोर इम्पोर्टेंटली देयर वर बीइंग यूज्ड. द WHO द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिड अ स्टडी व्हिच फाउंड दैट द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अलोन was going to save the lives of more than 300,000 children below the age of 5. So that's a huge savings in life. Biggest success of the SBM 1.0 was not the physical targets. It was the fact that you were able to convert a mission of the government into a project of the people and a janandolan. दुनिया ने जिस विषय के लिए यूनाइटेड नेशंस के नेतृत्व में हमें 2030 तक का समय दिया था, और क्योंकि हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे ओपन डेफिकेशन में, दुनिया को चौंकाते हुए हमने 2019 में भारत ने अपने आप को माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया. मुझे याद आता है उस आइकॉनिक स्पीच में हम अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज ये कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया. उन्होंने कहा ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, ये पायदान मात्र थी, यहाँ से हम संपूर्ण स्वच्छता की ओर जाएंगे. अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर. हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करें, हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करें, और हम विजुअल्स जो है क्लीनलीनेस को जो प्राप्त करें. And he found that if you have some ranking of some sort, that encourages people to get a lot better. So that idea of ranking really came out of the PM. He thought that it would be a good idea to get the cities to really pay attention by having an award for Swachh Sarvekshan. How do you actually judge a city? What's their rating on it? We actually sent a team down which spent a couple of days in each city, and they would go and check for open defecation. They would look at the availability of public toilets. They would look at whether there is solid waste on the ground or not. They would look at how liquid waste was handled. And most importantly, there were marks for citizens' feedback on it. और ऐसे शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसमें 2017 से जिस शहर ने साल दर साल बाजी मारी वो था इंदौर.
इंदौर 2014 से पहले इस प्रकार की सिटी थी कि आपको ओपन डंपिंग पॉइंट्स मिलते जो बाकी अन्य शहरों में भी देखने को मिलते हैं। हमारे सीवेज आउटफॉल सारे टैप नहीं थे, उसके आसपास जो है स्ट्रे एनिमल्स अट्रैक्ट होते थे, बैकलेन की बुरी हालत थी, प्रॉपर कलेक्शन नहीं था। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लिटर हमारे को मिलता है एंड मोर देन 2000 ऐसे पॉइंट्स थे। हर जगह जो है कचरे के कंटेनर रखे हुए थे, कचरा उनमें फैलता रहता था, तो ये कचरे की जो समस्या थी लोगों की जन सुरक्षा से भी जो है जुड़ी हुई थी। जब ये हम लोगों ने एक इनिशिएट किया कि एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फुल प्रूफ इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोगों ने एक सिटी का प्रिलिमिनरी सर्वे किया गया। ये निकल के आया कि भाई हमें तीन आयाम पे काम करना है कि हमारी सिटी को डस्ट फ्री बनाना है, लिटर फ्री बनाना है और बिन फ्री बनाना है। और स्वच्छता के इस पैमाने को हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सेग्रीगेशन एट सोर्स की। पहले सभी को समझाया कि गीले कचरे में क्या क्या आएगा। सूखे कचरे में कौन कौन सा मटेरियल आएगा। हमने 100% डोर टू डोर कलेक्शन पे फोकस करा। जो सिटीजन्स हैं यहाँ के वो इस चीज में परेशान नहीं होगी अपना कचरा दे कहाँ पर। अपना जो व्हीकल फ्लीट था उस फ्लीट को हमने मैनेज करा। हम लोगों ने फ्लीट मैनेजमेंट के लिए एक कंट्रोल रूम सेटअप करा जो हमारी फ्लीट का टाइम एंड फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करता था। हमारे सारे जो व्हीकल्स हैं उनमें GPS चिप्स लगी हैं। हमारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, वहाँ हमने 6 टाइप के सेग्रीगेशन के लिए 6 कंपार्टमेंट बना रखे हैं। एंड देन हमारे पास मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ में क्या होता है, जो आपका ड्राई कचरा जाता है वहाँ पर, उस ड्राई कचरे को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। भारत में जो लाखों टन कचरा रोज निकलता था, उसके 20% को इकट्ठा करने की, अलग करने की और उसे हटाने की जिम्मेदारी अकेले लगभग 40 लाख कचरा बीनने वालों ने निभाई थी। इसलिए जिन्होंने समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखा, सरकार ने उन्हें भी सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व देने की ठान ली। स्वच्छ भारत मिशन की यह यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमने बाहर से एम्प्लॉयमेंट ना खोजते हुए अपने ही रैक पिकर्स को वहाँ पे एम्प्लॉय कर लिया। तो जो रैक पिकर्स का एक इनफॉर्मल लाइवलीहुड जीते थे, वो जिनकी जो फी स्ट्रक्चर था, सैलरी स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी इनफॉर्मल था, जिनके वर्क आवर्स बहुत इनफॉर्मल थे, वो पूरे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आ गए एंड दे कुड लिव अ हैप्पी लाइफ। हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम गीला कचरा बोलते हैं, इस वेट वेस्ट को प्रोसेस करके हमारी जो सिटी बस है, इसी वेट वेस्ट से वहाँ की CNG मिल रही है और उसी वेट वेस्ट से बस चल रही है। हमारे घरों में हर व्यक्ति रोजाना लगभग 135 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत सारा लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है। इंडस्ट्रीज में भी लिक्विड वेस्ट कहीं ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है और ये वेस्ट जाता था हमारे नदी और तालाबों में। जल को फिर से निर्मल करने के लिए अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत और अमृत 2.0 इन योजनाओं के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए और घर घर में सीवर कनेक्शंस दिए गए और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत पानी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वाटर प्लस प्रोटोकॉल्स में न सिर्फ संशोधन किया गया बल्कि उन पर और जोर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान भर में जो है सेंट्रलाइज सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं और ट्रीट करने के बाद उसका यूटिलाइजेशन किया जाए गार्डनिंग एक्टिविटी में सिटी की, उसको ग्रीनिंग एक्टिविटी में या फिर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में या फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आप उसको उस पानी की उपयोगिता कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो सेकेंड फेज है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पे विजुअल फेयरनेस की भी बात की गई है। अगर किसी सिटी में बहुत अच्छा विजुअल क्लीननेस है तो उसकी रैंकिंग जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो सिटीजन्स हैं एक सिटी में उन्हें भी लगता है कि ये जो एक्ट वो कर रहे हैं सोर्स सेग्रीगेशन का या वो जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे, उससे उनका शहर सच में सुंदर बन रहा है। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह भी एक्ट करता है सिटीज ब्यूटिफिकेशन एंड द विजुअल क्लीननेस।
Other than Indore, cities that are doing really well are Surat, Vishakhapatnam, Mysuru, and Tirupati. So they are also coming up, and they are five-star garbage-free cities, right? So this competitive spirit actually led to more funds flowing in to do some of the things that people have been talking about doing for a long time. So there was two kinds, right? One is the shame part of it, and one is the name part of it. So people who were in the top 10 wanted to stay there. People who were in the top 20 wanted to come up. And that really served as a motivation to get people excited about it. जो हमने स्वच्छता सर्वेक्षण किया, मुझे लगता है उस स्वच्छता सर्वेक्षण के कारण, the consciousness that was required and which has stepped in, that has made a difference. इंसानी जिंदगी से कीमती कोई और चीज नहीं होती, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी जब गटर्स को साफ करने की बात आती थी, बिना किसी सुरक्षा साधनों के किसी इंसान को इसमें उतार दिया जाता था। नतीजा, जहरीली गैसेस से घुटकर मौत। जब भी सेप्टिक टैंक की सफाई करनी होती थी तो वो यहाँ से कुछ आदमी सफाई के लिए ले जाते थे और हर किसी को ये काम करने के लिए 2000 मिल जाते थे। ये काम करने के लिए मेरे घर से 3 आदमी गए थे, मेरे चाचा, पति और रवि नाम का एक लड़का भी गया था। सेप्टिक टैंक की सफाई करने से उनकी जान चली गई। मुझे उनकी मौत के बाद पता चला कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी। मैं हैरान थी कि इतनी रात हो गई पर वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, इसलिए मैं अपनी अम्मा और बच्चों को सोते छोड़कर ही उन्हें ढूंढने के लिए चली गई और वहां जाकर पता चला कि वो तीनों अब नहीं रहे। सफाई करते वक्त उनकी जान चली गई। जब हर जाने के तौर पर 10 लाख मिले तो थोड़ी राहत मिली कि कम से कम अब मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। मेरी बड़ी बेटी नर्सिंग में BS कंप्लीट कर चुकी है और अब वो ऊपर वाले की कृपा से साल का 1 लाख कमा लेती है। हर साल ना जाने कितने परिवार इस घटना का शिकार हो जाते हैं। She said, sir, today we have underground trains. You are boring through cities. With that kind of technology, can't you do something like this? And you know, that sort of moved us, and we came back and said we should do something about this. The septic tank is a complex multi-layered environment. At the top is a layer that is more like water, where at the bottom you have solidified contents that settle down. And to break this, only human beings are going in. They take pickaxes or shovels, sort of, you know, break the contents down. And the worst part is there are many people who die. And that is where I think the Homo sap robot comes in as a way of mechanizing and maintaining these tanks without human intervention. What the Homo sap robot does through a series of customized blades, these blades are sent in and they homogenize the very hard sludge that is located at the bottom of the tank. This homogenized content can be then sucked out using vacuum pumps and so on. उन्होंने कहा कि नगम्मा, ये तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। हमें प्रेरित करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि अब इस काम से किसी की जान नहीं जाएगी। I believe our project is a perfect example of how a complex social problem can be solved. पूरी दुनिया में जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसी स्पीड से बढ़ता जा रहा है e-waste, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ई-वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन बनाया है 2016 में। इसके अंदर EPR पॉलिसी भी लाया गया है, विच स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यानी कि अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा वेस्ट बना रहा है जिसका डिस्पोजल जो है वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं कर सकती या फिर कोई और नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो प्रोड्यूसर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल उस प्रोडक्ट का कैसे किया जाना चाहिए। भारत में एक से बढ़कर एक नियम कानून तो बनाए ही गए, लेकिन इस मुश्किल का हमने एक अजब अनूठा हल भी ढूंढ निकाला। From electronic waste we recover precious metals like gold and silver, and most of the gold and silver what is recovered we reuse them in gold plating. Presently we use this gold and silver plating of God's images, temple decorations, and gift items, and all that. So the gold is God. So that e-waste is to worship now. Electronic waste recycling as urban mining, because
It contains various metals, different types of plastics and glass. So this is something very important for ecology. So when the electronic waste is received in our facility, the first thing is we weigh them, and then the material is classified. After that, they go for dismantling. But dismantling is mostly done by skilled women power, and then this dismantled material go for downstream recycling, where mild steel is melted into tar steel. Similarly, aluminum goes for automobile industry, copper for again electrical or maybe some other applications. ये सब जो waste to wealth के जो माध्यम है, जो और अन्य विकसित देशों में जिनका उपयोग किया जा रहा है, उसका हम लोग भारत में भी सदुपयोग करें और भारत में भी इनको तेजी से हम लोग लागू करें। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत को भारत ने फिर से सच कर दिखा दिया। शहरों में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बना दी। गाँव में 600 से ज्यादा गोबर धन प्लांट से बायोगैस का निर्माण शुरू कर दिया। हवा में उड़ने वाली राख से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट ईंटें बना दी। सूखे कचरे को रिसाइकल करके एनर्जी में बदल दिया। लिस्ट लंबी है और रोज इसमें और भी नई उपलब्धियां जुड़ती जा रही हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे अध्याय यानी SBM 2.0 को पूरा करने में बहुत बड़ी समस्या सामने आई। सामने खड़े थे कई दशकों से इकट्ठा हुए कचरे के बड़े बड़े पहाड़। सो हमारे देश में लगभग 3,159 एग्जिस्टिंग लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स है। 160 मिलियन टन लेगेसी कचरा अभी भी पड़ा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट 15,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेस्ट कर दी है इन लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स के फॉर्म में। आप कोई भी एक पोल्यूशन का नाम लीजिए, वो आपको डंप साइट एरिया में दिखेगा ही दिखेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैंसरस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। इसलिए साल 2016 में भारतीय सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों में न सिर्फ संशोधन किया, बल्कि अब कचरा कहाँ गिराया जाएगा, वो जगह किसी तालाब, नदी, गांव या शहर से कितनी दूर होगी, वहाँ कचरा प्रबंधन का काम कैसे होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काफी कड़े नियम बनाए। डंप साइट रेमेडिएशन इंडिया में हम दो तरीकों से कर रहे हैं। पहला बायोकैपिंग है और दूसरा है बायोमाइनिंग। बायोकैपिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने डंप साइट का स्लोप स्टेबलाइज करते हैं। वहाँ पे हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो हैजरस वेस्ट वाटर्स निकल रहे हैं हमारे डंप साइट से, उसको हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो लैंडफिल गैसेस है उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ट्रीट करते हैं। जब हम बायोमाइनिंग की बात करते हैं, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एक्सक्रूवेशन ऑफ द वेस्ट, Converting the entire landfill into equal size windrows, spraying bioinocular, which is nothing but bacterial solution, allowing the waste to stabilize properly, and in this way the waste gets treated and moisture is lost, and after that sorting the waste as per its size. So the two fractures that we get is plastics and combustibles, और जो दूसरा हिस्सा हमें मिलता है, जो major fraction होता है, it is fine soil like material. यहाँ पे ये जो materials हम recover करते हैं, इसको हम gainful applications के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2014 में जब इसमें काम शुरू हुआ, उस समय हमारी national waste processing capacity करीबन 17%। तो पिछले 9 साल में आप देखिए जो हमारा report card है, वो 17% वेस्ट को लेके आज 76%, और मुझे लग रहा है कि कुछ ही समय में वी विल हैव अ सिचुएशन जो हमारा 100% वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं दैट विल बी प्रोसेस्ड, व्हिच मींस जो लेगेसी डंप साइट्स है वो बढ़नी बंद हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ने एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लिया। सरकार तो हमारे गाँव, शहर और राज्यों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में पूरी ताकत लगा ही रही थी, लेकिन एक एक भारतीय की जन भागीदारी ने इस मिशन को सुदूर इलाकों तक पहुंचा दिया। स्वच्छ भारत अब मिशन से ज्यादा एक व्यवहार, एक भावना, जीवन जीने की एक नई राह बन चुका था।
यहाँ पे एक बड़ा यू नो अमेजिंग सा ट्रैक है, खीर गंगा है उसको बोलते हैं। इतना गार्बेज है दोनों साइड में ट्रेल के, जहाँ पे इंसान के फुटप्रिंट्स है वहाँ पे गार्बेज है ही है। मुझे बस इतना पता था कि ट्रैक रूट्स पे गार्बेज नहीं होना चाहिए, और उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे मिलके साफ सफाई करने आए हैं। जिस कैंपेन में आप लोग जुड़े हैं उसका नाम हीलिंग हिमालयाज है। हीलिंग हिमालयाज एक कैंपेन है जिसका और आइडियोलॉजी है, दैट इज टू ट्रैवल एंड ट्रैक फॉर अ पर्पस। जिन्होंने वहां पे गार्बेज छोड़ा उसको साफ करके वापस लेके आए। जब हम किसी का फेंका हुआ कचरा उठाते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ के लिए भी कर रहे हैं, हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम उसके लिए भी कर रहे हैं। जब हमने पहली बार खीरिंगा ट्रैक रूट पे साफ सफाई की, सो दो दिन में सिर्फ हमने ऑलमोस्ट 8,000 to 9,000 पेट बॉटल्स कनेक्ट किए। तब उसके बाद फिर धीरे धीरे गाँव में कम्युनिटीज में उसको इनिशिएट किया, तो उसके बाद हमने खुद की फैसिलिटीज बनानी स्टार्ट की, वी कॉल द मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। उसको वहाँ पे कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके, और जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए 7 से 8 टन रेडी हो जाते तब उसको हम फर्दर ट्रांसपोर्ट करते। तो एक पूरा मैकेनिज्म हमने इंट्रोड्यूस किया। तो स्वच्छ भारत का जो अभियान शुरू हुआ उससे आई गेस बहुत फर्क पड़ा, लोगों ने इसको डिस्कशन में लेके आए, और काफ़ी हद तक पंचायतों के ऊपर भी अब काफ़ी दबाव है इस बात का कि अभी वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ट्रायल कर पाते थे, मन की बात में जिक्र होने के बाद आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं। अगर आपके देश के प्रथम सेवक आपको एड्रेस कर रहे हैं इस बात को कि जो काम आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपका मॉरल बूस्टअप होगा एकदम से, और आप नई एनर्जी के साथ उसको एग्जीक्यूट करेंगे काम। बूंद बूंद से सागर बनता है, ये कहावत हमने सिर्फ सुनी नहीं बल्कि इसको जिया भी। लक्ष्य प्राप्त होते गए, नए कीर्तिमान बने, हमने अपनी सोच बदली और विश्व ने हमारी तरफ देखने वाली अपनी नजर। देश के 40% से ज्यादा गाँव ODF प्लस इस स्टेटस को प्राप्त कर चुके। आने वाले 2023-24 के वर्ष में हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल में हमारे सारे गांव ODF प्लस की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आज हम पंचायत में जब जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या बदलाव आए हैं, पहले तो गले लगाते हैं कि बहुत अच्छा उनको महसूस होता है। Trash is lying, somebody will pick it up quickly. When I very often do, so that consciousness has changed. Cities in India become a lot cleaner. People who visit India after a few years have all visibly noticed, right, that it is cleaner. So I think a huge amount of progress has already been made. We found a study again done by UNICEF. Each household would save up to 50,000 rupees, so something like $700 per household per year, on account of the entire village becoming open defecation free. So a huge economic impact. स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर विषय पर इंटरनेशनल साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार 2003 से 2020 तक भारत के अधिकतर जिलों में शिशु मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 60 से ज्यादा थी, लेकिन 2020 तक ये औसत 30 से कम हो गई। SBM के शुरू होने से पहले शिशु मृत्यु दर में केवल 3% की वार्षिक गिरावट थी, लेकिन अभियान के बाद 8 से 9% तक की अतिरिक्त गिरावट इस मिशन की सफलता का प्रमाण है। 2020 तक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए। इस दौरान अधिकतर जिलों में 60% से ज्यादा शौचालय के निर्माण की दर से आज देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है। 5 साल में 60 से 19% की गिरावट के साथ आज भारत स्वयं को खुले में शौच से मुक्त देश घोषित कर चुका है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है, वो 2016 में किया गया, 2021 में किया गया। कई उसमें ऐसे आंकड़े हैं जिसमें हम लोगों ने काफी विकास किया है, तो मैं तो समझता हूँ इसका बहुत बड़ा एक श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को जाना चाहिए।
आज से अगर 10 साल बाद जो नई जनरेशन होगी, अगर उनसे इस किसके बारे में हम बात करेंगे कि लोग पहले खुले में शौच करने जाते थे, तो वो बड़ा ताज्जुब किया करेंगे, जैसे हम सती प्रथा के बारे में और बाल विवाह के बारे में ताज्जुब करते हैं। Sanitation policy over the last 7-8 years has been possibly the most important policy that this government has initiated. 2023 में दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब हम खड़े होते हैं, हम एक विजेता की तरह खड़े होते हैं और सारी देश ये चर्चा करते हैं कि इंडिया इज ए आउटलायर, इंडिया इज ए परफॉर्मर और इफ इंडिया इज एन इंस्पिरेशन। और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी न करने का शपथ लेते हुए स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न हटे। टॉयलेट्स न होने की वजह से असुरक्षित होती महिलाओं से टॉयलेट बनाकर उनके आत्मसम्मान की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। टॉयलेट्स ना होने की वजह से स्कूल छोड़ देने के लिए मजबूर बच्चियों से स्कूल में टॉयलेट बनाकर उनके भविष्य को पंख देने वाली उड़ान का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। टॉयलेट्स होने की वजह से हर साल लगभग 70,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु रोककर उन्हें जीवन देने का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। एक असंभव लक्ष्य को सरकार और नागरिक ने मिलकर संभव बना दिया। एक विचार ने लोगों का व्यवहार बदल दिया। गांव की पगडंडी से लेकर शहर की गलियों तक, अपने घर से लेकर नदियों और पहाड़ों तक, इस देश के कोने कोने को स्वच्छ बनाने की एक अद्भुत शुरुआत है। आजाद भारत को स्वच्छता के सर्वोच्च शिखर तक ले जाने का ये वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रयास है जो आज हर भारतीय के दिल में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है।